स्वागत करता हूँ न्यूजीलैंड के सबसे बड़े सिंगिंग सेंसेशनल शो में, जिसका नाम है ड्रीम्स प्रेजेंट्स एनसीबीटी कौन बनेगा सुपरस्टार। कौन बनेगा सुपरस्टार एक ऐसे मुकाम तक आ पहुंचा है जहां पहुंचना हर सिंगर का ख्वाब होता है, यानी कि फाइनल्स। आज है हमारा फाइनल राउंड, लेकिन इस राउंड के अंदर होंगे तीन इम्तिहान। इतना ईजी नहीं है ग्रैंड फिनाले तक पहुंचना। पहला होगा हमारा इम्तिहान, जो वो है रोमांटिक राउंड। सेकेंड होगा फास्ट राउंड और तीसरा होगा क्लासिकल। हर राउंड में होगा एक सिंगर एलिमिनेट और फाइनल ग्रैंड फिनाले में पहुंचेंगे तीन सिंगर्स। आज इनकी परफॉर्मेंस पे होगा डिसाइड कौन जाएगा अगले राउंड में। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे माने जजेस, केबीएस के बैकबोन जो है अरुण खोडकर जी। जोरदार तालियां अरुण जी के लिए। कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे पार्टिसिपेंट से? बस मैं यही कहूंगा कि KBS 3 जब स्टार्ट हुआ तो व्हाटएवर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वेयर देयर, इस यहां इस मोड पे आप जो पहुंचे हैं, इन माय ओपिनियन यू ऑल आर दी KBS 3 विनर्स, क्योंकि यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। सो यू आर ऑल ऑफ द सेम कैलिबर, यू आर ऑल द विनर्स। बीच में से एक कौन जाएगा दैट आई कांट रियली से, बट आई विल विश ईच एंड एवरीवन अ गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमारे आज के दूसरे जज हैं, जो हमारे KBS के स्पॉन्सर भी हैं, आशीष त्रिवेदी जी। जोरदार तालियां आशीष जी के लिए। आशीष जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन इतना हेवी इंट्रोडक्शन है कि आप लोग भी हिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपने किसी रिश्तेदार को या आपके कोई फ्रेंड्स है, फैमिली है, जिसे इंडिया से बुलाना ताकि वो यहाँ पे आके पढ़ सके, तो आप आशीष जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ NCBT कॉलेज। और हमारे आज के तीसरे जज हैं, जो लगातार 3 सालों से जुड़े हुए हैं KBS के साथ, वो हैं अब्बास मजर। जोरदार तालियां अब्बास के लिए। तो आज का हमारा मदहोश करने वाला रोमांटिक राउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुलाएंगे हमारी तीखी मिर्ची, यानी कि गुंछा को। जोरदार तालियां गुंछा के लिए। शोकिया माफ़ को
इज़ ए डिफिकल्ट सॉन्ग. इस टाइप के गाने में वॉइस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जो आपने अच्छा निभाया. और ओवरऑल आपका कंट्रोल एंड रोमांटिक सॉन्ग के लिए जो चाहिए था वो वॉइस क्वालिटी. वेरी गुड परफॉर्मेंस. बहुत अच्छा लगा सुनने में परफॉर्मेंस. ओवरऑल इम्पैक्ट बीच में बहुत आया. लाइक इनिशियली व्हेन इट स्टार्टेड उतना इम्पैक्ट नहीं था, फिर बीच में बहुत अच्छा आया. एक्सेप्ट फॉर वन लाइन वेयर आई नोटिस्ड प्रॉब्ली वो मेरी कहाँ सुनती है दैट लाइन. और बाद में फिर से यू नो इट वाज रियली रियली सोलफुल. तो यू नो अगेन क्रिएटेड एनवायरनमेंट. अरुण जी, कितनी गुस्ताखियां करी गुंजा ने? नहीं, कोई गुस्ताखियां नहीं की. गुंजा जी, आप थोड़ी नर्वस लगी आज मुझे, क्या बात है? इट वाज नॉट यूजुअल गुंजा. फाइनल्स का टेंशन क्यों होना चाहिए? सच ए गुड सिंगर. आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, वो ये कि फीमेल्स का जो वॉइस होता है वो तो सूदिंग होना चाहिए, वो आपका है. और बहुत सारे सूदिंग वॉइस जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो वो वॉइस भी स्ट्रांग होना चाहिए. तो आपने वो दोनों क्वालिटी है. यू हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर आई कैन सी.